दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अब हमारे दर्शकों को एक बात बता दें, सरकार लाख कोशिश कर रही है, धारा 144 लगा दी गई है पूरे राजस्थान में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस से जिस तरीके से लोगों को लड़ना है उसके लिए आम जनता जो है वो सरकार के निर्देशों की आदेशों की पालना नहीं कर रही है। और धारा 144 जो लगी है वो पूरे के पूरे शहर के अंदर पूरे प्रदेश में आम जनता जाकर तोड़ रही है। लोग थड़ियों पर बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, परचून की जो दुकानें हैं, ग्रोसरी आइटम्स की जो दुकान से वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। 100-100 लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये अजमेर की तस्वीर आ रही है। अजमेर के अंदर कैसे लोग टूट रहे हैं दुकान के ऊपर, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी आइटम की जो दुकानें हैं, सब्जी की जो दुकान है, ये बंद नहीं होगी। इसीलिए किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार स्पष्ट कर रही है। और उसके लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बैठक ली है जिसमें तमाम पूरे प्रदेश के जो कलेक्टर और एसपी हैं वो वहां पर मौजूद रहे और कुछ जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को ये महामारी को समझना होगा कि ये कितनी बड़ी वैश्विक महामारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं आया है, और कम्युनिटी वायरल ना फैले, संक्रमण ना हो कम्युनिटी हमारी, और इसके लिए आपको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो सरकार के इस निर्देश को मानिए। एनडीटीवी इंडिया भी आपसे ये कह रहा है कि अपने घर पर ही रहिए, सारे कामों को छोड़ दीजिए, कुछ दिन की बात है, पैनिक मत होइए, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। उसके बाद में सरकार ने तमाम नुमाइंदों, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं सहित प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी, क्योंकि इन लोगों की बात को माना जाता है इसलिए जिम्मेदारी अपनी समझते हुए इन लोगों को बुलाया, इनके साथ में एक बैठक की है और कहा है कि सजग और सतर्क रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि जो कोशिश हो, लोग कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, धारा 144 की अब कड़ाई से पालना हो, यानी कि सख्ती बरती जाए, क्योंकि लोग अभी तक आदेशों को उस तरीके से नहीं ले रहे थे, बहुत हल्के में इस चीज़ को ले रहे थे, समझ नहीं रहे थे, लोग पैनिक सिचुएशन जिस तरीके की है उसको नहीं समझ रहे थे कि भाई महामारी फैले ना, लोगों में कम्युनिटी संक्रमण ना हो, इसके लिए रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए अब सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट दिशा निर्देश एसपी और कलेक्टर को दे दिए हैं कि धारा 144 के ऊपर उसकी पालना कराने के लिए जो सख्ती बरती जाए वो सख्ती बरती है। और इसीलिए जगह जगह पर अब कर्फ्यू की तैयारी सरकार ने कर दी है, भीलवाड़ा के अंदर कर्फ्यू लगा दिया है। उसके साथ साथ सरकार ने स्पष्ट ये कहा है कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएं आ रहे हैं, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि उन सूचनाओं के ऊपर आप किसी प्रकार से ध्यान मत दीजिए, एडवाइजरी इसके लिए जारी की गई है, और कहा है कि भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग अगर आपको दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत भी आप कीजिए और उनको कहिए, कोई भी मैसेज अगर आपके पास व्हाट्सएप पर आ रहा है तो उसको ऐसे मत फैलाइए, क्योंकि एडिटिंग फोटोशॉप से कुछ भी एडिटिंग करना बहुत आसान काम है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अजमेर के अंदर एक प्रेस रिलीज जारी हो रही है अजमेर व्यापार महासंघ की, वो भी पूरी तरीके से फेक है। इसीलिए व्हाट्सएप पर तुरंत आने वाली चीज़ों को आप इस तरीके से वायरल मत कीजिए, सरकार के आदेशों को, निर्देशों को ही देखिए। हम आपको तमाम वो खबरें बता रहे हैं, उन खबरों को छान कर एक तरीके से बता रहे हैं कि वो खबरें कहीं भी अफवाहों से बहुत दूर हैं। सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है हम केवल और केवल आपको वही खबरें बता रहे हैं, ऊट पटांग खबरें किसी प्रकार के नहीं, किसी भी प्रकार की अब अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें। इसके साथ में जो मुख्य गृह सचिव है राजीव स्वरूप, उन्होंने कहा है कि धारा 144 की आपको पालना कर रही है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं वहां पर एक्टिव सर्विलांस में रहे, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात कहा है कि जो भी लोग कोरोना वायरस से संदिग्ध हैं, जो जिनमें सिम्टम्स आए हैं किसी प्रकार के, आइसोलेट जिनको कर रखा है, उनके लिए सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है और उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई है और वहाँ से भागता है तो उसके ऊपर भी FIR दर्ज की जाएगी। साथ में ये भी फैसला किया गया है कि अगर जितने भी लोग कोरोना के पाए जाते हैं, चाहे वो संदिग्ध होते हैं, तो उनके आंकड़ों को, उनके नाम को सरकार अखबार के अंदर जारी करेगी, जिससे कि आपके मोहल्ले का आदमी हो, आपके पड़ोस का हो या किसी और इलाके का हो, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाए, वो शख्स अपने घर से दूसरी जगह ना चला जाए, जिससे ये महामारी रोकने के अंदर एक बड़ा कदम होगा। और इसके लिए सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उसके लिए एक सरकारी कर्मचारी को उसके घर के ऊपर, घर के बाहर भी तैनात किया जाएगा, जो 24 घंटे उस संदिग्ध कोरोना वायरस से जो संदिग्ध होगा उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। साथ में केंद्र सरकार के रक्षा विभाग की तरफ से संयुक्त सचिव के साथ में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो बैठक
हुई है उसके अंदर एक आंकड़े साझा गए हैं। वो आंकड़े हम आपको बता देते हैं कि कोरोना के खतरे को चलते घर घर कुछ सर्वे हुए हैं, जगह जगह पर सैनिटाइज किया जा रहा है, नगर निगम की टीम अब वार्डों के अंदर जाना शुरू हो गई है। तो इसके लिए कुछ आंकड़े सरकार ने दिए हैं, वो आंकड़े हम आपको बता देते हैं कि इसके तहत अब तक 10,97,034 घरों का सर्वे कर लिया गया है, जिसमें 43,70,841 लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। और इसके साथ में जो प्रदेश भर में चिकित्सालय हैं 42 होम आइसोलेशन जो सरकार ने तैयार किए हैं वो 16-17 तैयार कर रखे हैं, जिसमें 290 व्यक्ति क्वारंटाइन हो रखे हैं। एक चीज़ आप स्पष्ट मान के चलिए कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण आपके अंदर भी आ गए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आपको केवल और केवल अपनी जाँच के लिए जाना है और उस जाँच के साथ साथ आपको कोऑपरेट करना है। ये कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आप इससे जीत नहीं सकते या आप इसको हरा नहीं सकते, केवल और केवल आपने बचाव की ज़रूरत है। इसके लिए जो सरकार एहतियात बरतने के लिए कह रही है उनको बरतने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। धारा 144 लगी हुई है, बाजार में भीड़ में इकट्ठा होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी के अंदर भी हो सकता है और उससे वो आपके अंदर भी आ सकता है। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। और किसी प्रकार से पैनिक मत होइए, कुछ भी बंद नहीं हो रहा है, ग्रोसरी आइटम्स खुलेगा, दूध की दुकान खुलेंगी, सब्जियां मिलेंगी बराबर, मेडिकल की दुकान खुलेंगी, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार के जो भी आदेश आएंगे, जो भी निर्देश आएंगे, वो MPTV इंडिया के ऊपर हम आपको लगातार बताते रहेंगे।